उड़ीसा की धरती पे हैं तो मैंने कहा ना जहाँ सूर्य का मंदिर है तो एक पुरानी पंक्ति है कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुँचा खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुँचा तो मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि करोड़ों घरों में जाकर वह उजाला फैलाएं अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहाँ की सरकार का जो न, चरित्र है वो बहुत ही गलत उभर के सामने आया है उसमें जिस प्रकार की घटनाएं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद और हृदय विदारक हैं और उन विषय को उठाने के लिए हमारे लोगों का दमन किया जा रहा है वो और भी हमारे लिए कष्टकारक है परंतु मैं कहना चाहूँगा कि जब एक तरफ मोदी जी का यह लक्ष्य है और विपक्ष क्या करता है उनके बारे में क्या क्या घृणा के शब्द नहीं बोलते हैं बोटी बोटी काटने से लेकर मृत्यु के प्रकार तक बोलते हैं तो मोदी जी ने कहा था ना कि जब लोगों ने उनसे पूछा था एक विदेशी दौरे पे कि आप इतना कार्य करते हैं एक दिन की छुट्टी नहीं लेते आपको इतनी शक्ति कहाँ से आती तो उन्होंने कहा था जी मैं रोज़ एक से दो किलो गाली खाता हूँ तो उनके पूरे चरित्र को मैं दो पंक्तियों में समाहित करना चाहूँगा कि मानो जब वो दो में आए थे यहाँ हमारी कार्य समिति हुई थी तो आपको याद हो लिंगराज मंदिर में वो गए थे और उनका वो दृश्य आप सबको ध्यान होगा जब वो लिंगराज मंदिर में जाकर दर्शन करें तो ऐसा लग रहे थे भाव विभोर होकर देख रहे थे तो मुझे लगता है शायद भगवान शिव के उस स्वरूप से वो प्रेरणा ले रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विश्पान किया है ये मोदी जी के लिए लागू होती है मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विश्पान किया है किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है वनवासी हूँ दीन दुखी मानव के मन में रहता हूँ सन्यासी हूँ पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है और आगे की लाइन और ये भी है कि प्रलयंकर हूँ महाकाल बन पापों का अवसान किया है किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है मैं से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विश्पान किया है